नमस्कार दोस्तों, मुंबई हमला आखिर किसको नहीं पता होगा। मुंबई हमला 26 जनवरी 2008 को मुंबई के दिल में हुआ था। ये एक तरह से भारत का 9/11 था जो अमेरिका में हुआ था। इसका मास्टरमाइंड हाफिज़ सईद पाकिस्तान में बैठा था, जिसने सारे हमले की योजना बनाई थी। 14 साल से भारत हाफिज़ सईद के खिलाफ पाकिस्तान और दुनिया को सबूत देता रहा है, मगर भेड़ की खाल में भेड़िया जो बात हाफिज़ सईद पर सही बैठती है, पाकिस्तान ने सज़ा देने से इनकार कर दिया और उल्टे भारत से ही और पुख्ता सबूत मांगता रहा है। हाफिज़ सईद कहने को पाकिस्तान में बहुत से ट्रस्ट चला रहा है और दुनिया के सामने पाकिस्तान हाफिज़ सईद के अच्छे काम ही दिखाता रहता है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए उस पर पाकिस्तान पर मुकदमा भी चलता रहा है और घर में हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, मगर FATF में ग्रे लिस्ट से बाहर ना निकल पाना और इससे पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो गया है। अब 14 साल बाद फिर से पाकिस्तान के एंटी टेरर कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड और आतंकवादी हाफिज़ सईद को 31 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। हाफिज़ सईद पर कोर्ट ने 3,40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही हाफिज़ सईद की सारी संपत्ति जब्त करने के भी आदेश दे दिए हैं। हाफिज़ सईद लश्करे तैयबा का फाउंडर भी है। हालांकि रिपोर्टों को मानी जाए तो जमातुद दावा के प्रमुख को 2 मामलों में सज़ा सुनाई गई है। हालांकि ये सज़ा मुंबई हमलों के लिए नहीं है, ये रिपोर्ट पाकिस्तान मीडिया ने दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाफिज़ सईद को इससे पहले फरवरी 2020 में भी 11 साल और नवंबर 2020 में 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। हाफिज़ सईद का नाम मुंबई हमले में खास तौर पर लिया जाता है, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। हाफिज़ सईद को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। इस पर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम भी रखा हुआ था। कोर्ट ने हाफिज़ सईद के खिलाफ ये फैसला ऐसे समय में सुनाया है जब पाकिस्तान पर FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का खतरा मंडरा रहा है। अगर पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है तो उसकी डूब रही अर्थव्यवस्था पर ये और कड़ा प्रहार होगा। कहते हैं ना, मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। अब हाफिज़ सईद के बेटे तलहा सईद को भी आतंकी घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने हाफिज़ सईद के बेटे हाफिज़ तलहा सईद को UPI एक्ट 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है। मंत्रालय ने इसे लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि तलहा लश्कर तैयबा का मौलवी इनका प्रमुख था। गौरतलब है कि तलहा लश्कर का बड़ा आतंकी था। मंत्रालय ने कहा है कि वह भारत के हितों के खिलाफ पश्चिमी देशों और अफगानिस्तान में जिहाद फैलाने में शामिल रहा है। अधिसूचना के मुताबिक 46 वर्षीय हाफिज़ तलहा सईद भारत और अफगानिस्तान में भारतीय हितों को निशाना बनाने के लिए लश्कर तैयबे में कारिंदों की भर्ती करता था, धन जुटाता था और हमलों की साजिश रचता था। इसमें कहा गया है कि वह पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के विभिन्न ठिकानों का भी नियमित रूप से दौरा करता था और भारत, इसराइल, अमरीका व अन्य पश्चिमी देशों में भारतीय हितों के खिलाफ जिहाद छेड़ने का आह्वान करने के वाले बयान देता था। लश्कर तैयबा 26/11 के हमलों के अलावा भारत में कई घातक हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। इनमें से ज़्यादातर हमले जम्मू कश्मीर में हुए हैं, जिनमें पिछले कुछ वर्षों में कई नागरिक और सुरक्षा बल मारे गए हैं। हाफिज़ सईद के मामले में ये सब दुनिया को दिखाने के लिए झूठ भी हो सकता है। पाकिस्तान हर हाल में FATF से बाहर निकलना चाहता है और कहीं हाफिज़ सईद की वजह से ब्लैकलिस्ट में आ गया तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गड्ढे में घुस जाएगी। वैसे ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गड्ढे में है। इमरान खान कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। ये सब ध्यान भटकाने वाला कदम ज़्यादा लगता है। हाफिज़ सईद के मामले में ये सब दुनिया को दिखाने के लिए झूठ भी हो सकता है। पाकिस्तान हर हाल में FATF से बाहर निकलना चाहता है और कहीं हाफिज़ सईद की वजह से ब्लैकलिस्ट में आ गया तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गड्ढे में घुस जाएगी। वैसे ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गड्ढे में है। इमरान खान कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। ये सब ध्यान भटकाने वाला कदम ज़्यादा लगता है।